सत श्री अकाल जी, हरजिंदर वालिया यूट्यूब चैनल ते तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शको, अज तुहाडे नाल दो गल्लां जिहड़ियां करनियां ने। पहली गल तां इह करनी है कि जदों कोई लड़की ब्याहुण योग हो जांदी है ते उहदे लई मुंडा देखण जांदे हो तुसीं, मुंडा तुहाडे पसंद आ जांदा है, तो फिर उदू बाद ब्याह तो पहला तुसी उदा डोप टेस्ट जरूर कराओ। ये शर्त रखनी जरूरी है, बल्कि एक होर टेस्ट की भी गल चल पी कि वो मर्द है, क्योंकि बहुत सारे पंजाब के बच्चे नपुंसकता वालू बढ़ रहे हैं। एक खबर आप चर्चा करांगे। एक स्टोरी अज अखबार च छपी सी उहदे बारे। दूजी गल जिहड़ी करनी है वह है मोदी ते अमित शाह की जोड़ी। की सचमुच वह इस बार जित वल नूं जा रही है जां हार रही है? जो आसार जो संकेत नज़र आ रहे ने वह तो लगता है कि इन्हां दे दिन हुण पुग चुके ने। की कारण है, किहड़ी तर्क है साढ़े कोल, किहड़ी दलील है जिहदे नाल आपां इह कहीए कि हुण शायद इह ना आउण? इह दो गल्लां आपां करांगे अज दे इस प्रोग्राम दे विच। लेकिन उस तों पहलां फिर एक बार याद करावां कि प्यारे दोस्तो, जे तुसीं इस चैनल नूं अजे तक नहीं कीता सबसक्राइब तां कर लवो, प्लीज़ इस नूं सबसक्राइब कर लो। तो पहला आप नैशनल खबर ले लीए तो ज ठीक रहेगा। मोदी ते अमित शाह ये जोड़ी, जा गुजराती जोड़ी कह लो, ये जोड़ी 2014 तो ये देश नूं चला रही है। कोई होर बंदा नहीं छड़िया इन्होंने जेड़ा ये कह सके कि उहदे कोल अपने पद्धर ते कोई फैसला लैन दा अधिकार है। इत्थों तक कि नागपुर भी हुण फैसले नहीं लै रहा, मतलब कि RSS मोहन भगवत ये भी उस तरह फैसले लैन लई जां दखल अंदाजी करन लई उन्हां कोल उन्ना अधिकार नहीं रहा। तुसीं देख लो, जिहड़ी जदों ये आए सी उस वेले तां हाले लाल कृष्ण अडवाणी जिहदे पैरी हत्थ लाउंदे ने हुण पिछे जे भी ला के आए ने सारे कि जी तुसीं साडे मार्गदर्शक हो, हुण तां खैर 92 या 93 दे हो गए, लेकिन उस वेले तां राष्ट्रपति भी बनाया जा सकदा सी। उह कढ के बाहर मारिया, कहिंदे शर्त लाती कि 75 साल तों उत्ते वाले सारे रिटायर, जदों आप होवांगे देखी जाओ। उस वेले तक तो यह हो गया। मुरली मनोहर जोशी उहदा देख लो की हाल कीता। अरुण शौरी होर तो होर, जिहड़ा डिफेंस मिनिस्टर बनाया राजनाथ नूं किन्ना पुछदे ने। जसवंत सिन्हा, नितिन गडकरी, बड़ी लंबी लिस्ट है। एक एक करके सब, यानी किसी कोल कोई जिहड़ा है पावर नहीं रहण दित्ती, ना पार्टी ढांचे दे विच ते ना ही सरकार दे विच। संगठन दे विच भी JP नड्डा इन्हां दा आपदी चॉइस है, और जिहड़ा सरकार दे विच तां कोई किसे दी गल होर सुणदे ही नहीं, जो कुछ है ये आप करदे ने। पर मैं तां इह गल कही सी तुहानूं, इह करदे ने, पर इह क्यों तर्क दित्ता है कि हुण इन्हां दे दिन पुगदे जा रहे ने? उह इस करके दित्ता है कि तुहाडे सामने है कि जिन्नियां भी बाई इलैक्शन होईयां ने उन्हां च देख लो, स्टेट दी इलैक्शन, कर्नाटक देखो, हिमाचल देखो, लगातार हारां मिल रहीआं ने इन्हां नूं। यानी ये इत्थों संकेत मिलदे ने। संकेत तां ये भी है कि हुण जिहड़ी इलैक्शन तां हुण तुसीं मध्य प्रदेश दा रिजल्ट देख लो, हो सकदा है डिगदे ढहदे राजस्थान लै जाण, पर मध्य प्रदेश तो बिल्कुल ही हालात वक्रे नज़र आते हैं। उत्थे भी शिवराज चौहान नू नहीं कुछ समझ, जिवें राजस्थान दे विच विशंदरा राजे नू
छत्तीसगढ़ च रमन कुमार ने, मतलब कितने भी महाराष्ट्र च देवेंद्र फडणवीस ने, योगी को भी ज़्यादा पावर नहीं, योगी दे जड़े ब्यूरोक्रेसी सारी दिल्ली तो आती है, सरकार उठ भी चलती है किस्म की, इस किस्म दल्लां भी है। सो सारे बड़े फैसले कौन लैंदा, मोदी साहब ते जा अमित शाह। मोदी साहब कदों लैंदे ने ये भी देखने वाली गल है, जा किन्ना राही लैंदे ने। इत्थे तां हर एक संस्था ईडी सीबीआई इलैक्शन कमीशन कुछ तां छड्डिया होवे, ये तो देखने वाली हर चीज़, मतलब सारी लगाम जिहड़ी है मोदी ते अमित शाह दे हाथ है। हुण जदों स्टेट दीआं शक्तियां पार्टी दीआं, होर तां चलो एनडीए भी कमजोर करती है, एनडीए दी शक्ति, एनडीए किवें कमजोर हो गई, शिवसेना गई, महाराष्ट्र च तुहाडे सामने है, बिहार च जिहड़ा बंदा इन्हां नूं हुण चैलेंज दे रहा है जां शुरुआत कीता है, इंडिया गठजोड़ जिहने बनाया है नीतीश कुमार, उहदे नाल उदों फोन ही नहीं चकदे सी, जिहने उहनूं इक किसम दा मजबूर कीता है उहनां ने, तां निजी मैनूं लगदा इहनां दी एक दूजे नाल जैलसी दा रिश्ता है, ते इस करके नीतीश कुमार। पंजाब दे विच अकाली दल जिहने पुराने जिहड़े एनडीए वाले ने उहनां दा भी हाल है। जे तुसीं देखो प्रचार होर चीज़ होंदी है, प्रचार तां बहुत हुंदा है, पर आपां हुण देख रहे हैं बेरोज़गारी वधी हुई है। जिहड़े कहिंदे कि असीं विश्व दा वड्डा अर्थचारा बनना है, पर दूजे पासे आप ही कही जांदे ने कि 80 करोड़ लोगों को आपां मुफ्त अनाज देना है, तो फिर कित्थों आपां गल कर लांगे, मुफ्त अनाज कहदा फिर, जे सारा कुछ बेरोज़गार होवे तो उन्हां रोज़गार तुसीं 80 करोड़ नूं किवें देओगे। तेरी इहदा मतलब कुछ तो ऐसा होवे ना, विदेश नीति की हाल देखो तुसीं, इजराइल दे नाल हो जां इजराइल दे विरुद्ध हो, एक पासे इजराइल दे नाल ने, दूजे पासे फलस्तीन नूं भी मदद भेजी जा रही है, कदे इधर कदे उधर, यानी ये भी मसला। कनेडा नाल रिश्ते साडे कहे जे ने, साडी इकनोमिक स्थिति कहे जी है, तुसीं आप ही देख लो ना, विदेश नीति ना इकनोमिक्स नीति, ग्लोबल इंडैक्स आया अपना हंगर दा जिहड़ा, उहदे च साडा हाल ये है, शर्माउंदी है, पाकिस्तान तो भी पिछे हाँ सी, नेपाल तो भी, बंगलादेश तो भी इन्नी माड़ी हालत है, 125 देशों के विच साडा 111वां थां है, ये तो हाल होया पे। बाकी ऐड जिन्ना मोदी 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 जो मर्जी कराई चलो, उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, गल तां है जदों मसला तां होर है ना, बाकी 5 सूबिआं की चोण दा रिजल्ट आ जाणा, पता लग जू। मिजोरम च तां मोदी साहब गए ही नहीं, ये भी हालात कदे देखने सी, साडे देश दे प्रधानमंत्री जिहड़ा इन्ना पॉपुलर कौंदा है, ते उत्थे मिजोरम च बन नहीं दित्ता उन्हें, मुख्यमंत्री ने कहता कि लोड़ नहीं आउंदी। तो हुण तां बिल्कुल उही शेर कि अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो जलता रहे। चलो खैर, ये नैशनल गल थोड़े ना करनी सी, आपां जिहड़ी गल समाजिक करनी वो बहुत अहम है। देखो मैं नहीं कहता, लेकिन कहा यह जाता है कि पंजाब दे विच बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो नशियां वालों लग गए, अमीर ज्यादा अफसर लीडर कई किस्म के नशे करते हैं, देसी विदेशी, देसी जिहड़ा जिहड़ा परंपरागत है, जिहड़ा प्रवानित है, एक किस्म का अफीम जिहड़ी है, थकावट होंदी है सवेरे सवेरे लै लो, बहुत सारे लीडर खाते हैं वैसे, ये तो गल मननी पवेगी। एक बार मैं बादल साहब का 8 दसंबर हुंदा सी जिहड़ा जन्मदिन, मैं इंटरव्यू किया दसंबर च, मैं पूछा की खाने हो, कहते जी देसी घ्यो दियां भिंडियां, उन्होंने दिनों कोई शायद मोगे तो कोई लेके आया से उस तरह की गल, मैं लिखा कि बादल साहब का सुख नाल देसी घ्यो दियां भिंडियां नाल ब्रेकफास्ट करते हैं, पर बहुत सारे अकाली लीडर सुने कि काली दवाई का सेवन करके सारा दिन लोग सेवा च लगे रहते। मैनू किसी ने पूछया कि केड़े केड़े काली दवाई का सेवन करते हैं, मैं थोड़ा सवाल गलत है, तुसीं मैनू उल्ट करो भी केड़े केड़े नहीं करते। सो इस किस्म की गल, तो
ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਕੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਉੱਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਐਵੇਂ ਤਲਾਕ ਤਲੁਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਕੇਸ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਤੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੁੜੀ ਲੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿਮਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ 2-4 ਦਿਨ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਵਰ ਲੱਭੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।